से तुम इस राज्य में आए हो, मैं भूखा हूँ। अब ना मेरी भूख बचेगी और ना तुम। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, नहीं। मैं यहां कैसे? मैं तो चिंता मत कीजिए राजा सोमदेव, अब आप श्राप मुक्त हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं श्राप मुक्त हो गया? आज आपने मेरी नहीं, मेरी प्रजा, मेरे राज्य की भी रक्षा की। मैं आप दोनों का यह आभार जीवन भर नहीं भूलूंगा। राजन, आपको विक्रम का ही नहीं, अपनी पत्नी का भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि आपकी मुक्ति का मार्ग तो आपकी पत्नी ने ही बताया था। ये आप क्या कह रहे हैं बेटा? मेरी पत्नी की मृत्यु हुए तो कई वर्ष हो गए। राजनी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी जीवित पत्नी को क्यों मार रहे हैं? हम तो अभी मिलकर आए हैं, आज ही आपके राजमहल में। राजन, तू मौन क्यों है? समझाना महाराज को, इनकी पत्नी अभी जीवित है। राजा सोमदेव सत्य कह रहे हैं बेटा, जो राजमहल में हमें मिली थी वो इनकी पत्नी नहीं थी। तो फिर वो स्त्री कौन थी जो हमें राजमहल में मिली थी? वो मैं ही थी बेटा, जो यहां तुम दोनों का अंत करने आई थी। तूने मेरी सारी योजना को असफल कर दिया है। मैं तुम सब का अंत कर दूंगी। राजन, कौन थी ये? तुमने भी नहीं पहचाना बेटा, वो भद्रकाल की भेजी हुई पुतली थी जो हमें मारने और तुम्हें बंदी बनाने के लिए आई थी। अरे वाह, बेताल की संगति में रहकर तू बड़ा बुद्धिमान हो गया है। जिसे बेताल भी ना पहचान सका, उसे तूने पहचान लिया। और कब पहचाना? बेताल, संदेह तो हमें तभी हो गया था, राजमहल में वो जब भी हमसे मिलती थी अकेली मिलती थी, हमारे अतिरिक्त वहां और कोई नहीं होता था। और फिर जब राजा सोमदेव ने भी कभी अपनी पत्नी के विषय में कोई बात नहीं की, तब हमें पूर्ण विश्वास हो गया था कि वो पुतली ही थी जो हमारे साथ छल करने आई थी। वाह, बेताल की संगति में रहकर बहुत बुद्धिमान हो गया विक्रम। क्षमा करना बेताल, भूल हो गई हमसे। नहीं नहीं, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है विक्रम, किंतु मुझे ये बता, पुत्री ने तो तेरा अंत करने की पूरी व्यवस्था कर दी थी, फिर तुझे ये कैसे पता चला कि आटे के मानव का भक्षण करने से सोमदेव का श्राप समाप्त होगा? ये बात हमें स्वयं भूखी माता ने बताई थी बेताल, जब हम उन्हें ढूंढने वन में गए थे तब उन्होंने हमें दर्शन दिया था। राजन, सोमदेव का श्राप
कभी समाप्त होगा जब वो अन्न का भोजन करेगा। पर एक समस्या है, मेरे श्राप के कारण वो अन्न की तरफ देखेगा भी नहीं। हम समझ गए माता, किस प्रकार राजा सोमदेव को अन्न का भोजन करवाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम। तूने सोमदेव को बचा तो लिया, परंतु तुझे अब इसकी हत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों से पुनः इसको दानव बना दूंगी। इस पुतली का अंत करने का एक ही मार्ग। नहीं राजा सोमदेव, हम किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते। यदि मैं फिर से दानव बन गया तो अपनी प्रजा के लिए संकट खड़ा कर दूंगा महाराज, अंत कर दीजिए मेरा। अब यही एक मार्ग शेष है। आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई मार्ग ढूंढ निकाले आपको मुक्त कराने का। मुझे ही मेरा अंत करना होगा। अब एक ही मार्ग शेष है, मुझे ही मेरा अंत करना होगा। राजा सोमदेव, राजन, आपके कारण आज मेरा उद्धार हो गया, इसीलिए मेरी सकारात्मक शक्ति सदैव आपके साथ रहेगी। और जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपकी सहायता हेतु प्रस्तुत हो जाऊंगी। राजा सोमदेव, क्या आपने क्या किया? राजा सोमदेव, आपको अपने प्राण देने की आवश्यकता नहीं थी। हम पुत्री के उद्धार का कोई ना कोई अन्य मार्ग ढूंढ लेते। महाराज, मैंने अपना जीवन पुत्री के लिए नहीं, अपने लिए दिया। अपने पिता की हत्या अपनी प्रजा के भक्षण के बाद मैं इस अपराध बोध के साथ जीवित नहीं रह सकता था, किंतु आपने मेरे और मेरी प्रजा के लिए जो किया है, मरने के बाद भी मैं आपका आभार कभी महाराज विक्रमादित्य के कारण ही आज ये राज्य एवं हम सभी सुरक्षित हैं। आपके जैसा प्रजा पालक इस संसार में दूसरा कोई नहीं महाराज, जो अपने जीवन को भी दांव पर लगाकर दूसरों की रक्षा करे महाराज। हमने तो केवल वही किया जो एक राजा का धर्म होता है। धन्य है महाराज विक्रमादित्य, आप धन्य हैं।
सम्राट विक्रमादित्य महाराज की जय। सम्राट विक्रमादित्य महाराज की जय। सम्राट विक्रमादित्य महाराज की जय। विक्रम, तुम तो जान ही गए होगे कि तुम्हारी जीत में भी तुम्हारी हार है। तुमने इस पुतली का भी अंत कर दिया। तुमने क्या पाया? कुछ भी नहीं, प्रचंड का। किंतु भद्रकाल ने इस पुतली की नकारात्मक शक्ति मंत्र कुटिल चार भद्रकाल। इस शक्ति को किसने पाया? मैंने। विक्रम, कहीं ऐसा ना हो कि भावलोक पहुंचते पहुंचते तुम सारी पुतलियों को मुक्त कर दो, तो फिर उनकी नकारात्मक शक्तियों का क्या होगा? वो तो भद्रकाल को मिल जाएंगी, और फिर भद्रकाल हो जाएगा सर्वशक्तिशाली। अरे फिर तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी भद्रकाल का अंत नहीं कर पाएगा। राजन, इस राज्य में जो भी अनर्थ हुआ उसकी दोषी मैं भी हूं, क्योंकि अपनी भूख के क्रोध में आकर मैंने ही सोमदेव को दानव होने का श्राप दिया, जिसके कारण अनेकों निर्दोष मनुष्यों का भक्षण हुआ। इसलिए मैं आज से और अभी से अपनी भूख को त्यागती हूं। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी भोजन नहीं करूंगी। इसमें आपका कोई दोष नहीं माता, दोष तो उन लोगों का है जो लोगों की भूख का अपमान करते हैं। राजा सोमदेव ने भी आपकी भूख का अपमान किया था, इसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ। इस घटना से संसार को सीख लेनी चाहिए माता, कि कभी भी किसी की भूख का अपमान ना करें। यदि आप उन्हें भोजन ना करा सकें तो ना सही, किंतु उनके साथ दुर्व्यवहार या अपमान कदापि ना करें। हाँ राजन, इस संसार में धन के दान से बड़ा महत्व भोजन के दान का होना चाहिए। माता, हम प्रयत्न करेंगे संसार में एक ऐसी व्यवस्था चलाने की जिसमें कोई भी कभी किसी के द्वार से भूखा ना लौटे। आप अपने उद्देश्य में सफल हो राजन, आपका कल्याण हो। देख ले विक्रम, आज के बाद कभी मेरी भूख का उपहास मत करना। हम मनुष्यों की बात कर रहे थे बेताल, और तुम तो। अरे विक्रम, एक बार भद्रकाल का अंत हो जाए देख लूंगा तुझे भी। अरे जाता का रुक तो सही विक्रम। बेताल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु तुम भद्रकाल को नहीं जानते। कुछ ही क्षण बचे हैं तुम्हारी ये प्रेत योनि के, आनंद ले लो ले लो। उसके बाद तो तुम्हारा स्वाहा। क्या मनोरम वातावरण है, जो सुख प्रकृति के सानिध्य में है और कहीं नहीं। हाँ, किंतु मनुष्य है, घर द्वार और जीवन के झंझटों में ही उलझा रहता है, उसमें मरखप जाता है। सत्य कहा आपने बेताल जी। किंतु प्रकृति का आनंद तब और भी बढ़ जाता है जब सुंदर सुशील जीवन संगनी आपके साथ हो। मेरे आनंद में बाधा डालने वाली आप हैं कौन? मैं स्त्रियों से बात नहीं करता,
स्त्री नरक का द्वार होती है। ये वही कहते हैं जिन्होंने जीवन भर स्त्री का साथ ना पाया हो। मैं आपके जीवन को नरक से निकालने आई हूँ। मैं आपकी होने वाली संगनी हूँ। जीवन संगनी? ये क्या कह रही हैं आप? मैं किसी स्त्री को नहीं जानता। कहा तो कहा, कहना मत, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। बस ये वरमाला डालने भर की देरी है, उसके पश्चात आप बेताल नहीं हमारे प्राणनाथ हो जाएंगे। बेताल जी, देवी एक भी पग आगे मत बढ़ाइए, अन्यथा अन्यथा क्या करेंगे प्राणनाथ? अन्यथा मैं भाग जाऊंगा। एक स्त्री के समक्ष पुरुष बाजार होकर भी क्या सकता है? देवी आपको मेरा पता किसने बताया? देवी मेरे हृदय ने। देवी आप देखिए, मैं कहता हूँ रुक जाइए, मैं बेताल हूँ। आप बेताल थे किंतु अब मेरे आप प्राणनाथ हैं। जीवन में सब कुछ सीखा किंतु ये नहीं सीखा स्त्रियों से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है। बेटा आगे खाई पीछे लुगाई, इससे तो अच्छा है कि मैं खाई में ही कूद जाऊं। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं, क्या हुआ मुझे? स्वामी स्वामी, ये मेरे पतिव्रता होने की शक्ति है, अब आप अकेले कहीं भी नहीं जा सकते। अब आप जहां भी जाएंगे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ये मेरी वरमाला स्वीकार कीजिए स्वामी। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे, देखो एक पग भी आगे मत बढ़ाना। मैं विवाह नहीं करना चाहता, छोड़ दीजिए मुझे, मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं 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 बेताल, नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना, मेरा पीछा छोड़ दो। बेताल नहीं 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 मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे विवाह नहीं करना। नहीं 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 बेटा क्या हो रहा है? वो स्त्री? कौन सी स्त्री? वो कहाँ गई? विक्रम मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। विक्रम भगवान इतना बुरा स्वप्न किसी को ना दिखाए। क्या हो बेटा? एक स्त्री मुझसे स्वप्न में कह रही थी मुझसे विवाह कर लो। विवाह और तुमसे? बेताल किंतु बेताल एक बात बता, तुम्हें विवाह से समस्या क्या है? विक्रम आपने आपको देखा है कभी? तेरा ये हाल विवाह के बाद ही हुआ है। क्या हुआ है? मैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य है। हम विक्रमादित्य। विक्रम मनुष्य विवाह के बाद जो बेचारा नहीं कर पाता उसके बाद वो जीवन भर सिद्ध करने में लगा रहता है, मैंने जो चाहा वो कर दिया, मैंने जो चाहा वो कर दिया, तो वो तो यही कहता रहता है। बेताल वैसे एक बात बताते हैं हम तुम्हें, मनुष्य अकेला जन्म लेता है, विवाह उसे पूर्ण करता है। बेताल विक्रम विवाह पूर्ण नहीं पराधीन करता है, और बेताल तो स्वतंत्र पक्षी है, किसी के पराधीन नहीं हो सकता। इसीलिए पिछले 1100 वर्षों से भटक रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। यदि विवाह हुआ होता तब तुम समझते। विवाह पराधीन नहीं करता है बेताल, विवाह स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है। किंतु तुम क्या समझोगे? तुमने तो विवाह ही नहीं किया। विक्रम यदि मैं तेरी बात मान भी लूं तो मुझ जैसे प्रेत से कौन सी स्त्री विवाह करेगी? विक्रम